मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। बिहार की सियासत में बीते रविवार को जो कुछ भी हुआ उसने राजनीति के वर्तमान परिदृश्य को सबके सामने रखा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदला और वापस एनडीए के कुनबे में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने ये फैसला ऐसे समय लिया जब लोकसभा चुनाव के लिए अब बस कुछ ही महीने का समय बचा है। सुशासन बाबू के इस फैसले से इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश जहां उन्हें विश्वासघाती कह रहे हैं, तो वहीं यूबीटी नेता संजय राउत ने उन्हें भुलक्कड़ तक कह दिया और कहा कि वे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अब वो बीमारी कौन सी है ये आप खुद ही सुन लीजिए। अरे दो साल में ज्यादा उनकी बीमारी बढ़ गई है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जिस पार्टी में वो चले गए हैं, अब बीजेपी में चले गए ना, मुझे लगता है, मुझे भी अब याद नहीं कौन से पार्टी में वो चले गए हैं। वो सुशील मोदी जी का बयान में देख रहा था कि उनको कैसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे। वो बीमारी है भूलने की बीमारी। उनको कल शायद जब दवा वगैरह खा लेंगे तो पता चलेगा मैं अरे मैं बीजेपी में आया हूँ, तो वापस वो आ जाएंगे इंडिया में। ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है, देश के लिए भी, राजनीति के लिए भी और डेमोक्रेसी के लिए भी। ये बीमारी सिर्फ नीतीश बाबू को नहीं हुई है, ये बीमारी अमित शाह जी को भी हुई है, ये बीमारी प्रधानमंत्री जी को हुई है। यही दो प्रमुख नेता है जो बार बार कहते थे नीतीश को हम नहीं लेंगे अब हमारे पार्टी के साथ, कुछ भी हो जाए, हाथ जोड़ कर भी आए तो बिहार की जनता को हम वचन देते हैं नीतीश हमारे साथ नहीं रहेंगे। अब वो भी भूल गए, वो बीमारी जो नीतीश जी की उनको भी लग गई है। कोई तोड़ने की कोशिश नहीं हमने की। 23 तारीख को नीतीश कुमार जी ने बैठक बुलाई पटना में, 18 पार्टियां मौजूद थी, बम्बई में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, सभी बैठकों में नीतीश कुमार जी मौजूद थे, उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया। पर बिहार में कई नेता मौसम वैज्ञानिक होते हैं। बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार, गया कुमार, जो गिरगिटों का वो कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं। पर यह अफसोस की बात है कि आखिरी वक्त पर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा, ये बिल्कुल विश्वासघात है। और बिहार की जनता उनको और उनके जो उनको नचाने वाले जो बैठे हुए हैं, जो मुहूर्त ढूंढते हैं दिल्ली में बैठकर, 14 तारीख को जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया मणिपुर से, उस दिन मिलिंद देवरा को उन्होंने भगा कर ले गया। आज जब हम बिहार में प्रवेश होने वाले हैं, कल नीतीश कुमार को उन्होंने भगवाया। तो ये सब सही वक्त पर बिहार की जनता, जागृत जनता, नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री को जरूर जवाब देंगे।